प्रतिवर्ष नवेम्बर 11 को भारत प्रथम केन्द्र शिक्षामंत्री मौलान अबुल कलाम आजाद जन्मवार्षिकी को जातीय शिक्षा दिवस रूपे पालन करा जाय थाय। जने स्वाधीनता संग्रामी विद्वान तथा विशिष्ट शिक्षाविद मौलान आजाद स्वाधीन भारत जने स्थपति थिले, जिए कि AICTE ओ UGC परी सर्वोच्च शिक्षा संस्था गठन दायित्व रे थिले। जातीय शिक्षा दिवस रे भारत गठन रे मौलान आजाद अवदान को मन रखी 2008 सेप्टेम्बर 11 एक संकल्प सहित केन्द्र सरकार नवेम्बर 11 को जातीय शिक्षा दिवस भाव घोषणा करते। प्रथम जातीय दिवस को भारत तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल उद्घाटन करते। प्रथम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT खड़गपुर मौलान अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रतिष्ठित होता। मौलान आजाद कही विद्यालय गुड़िक लैबोरेटरी जहाँ देशर भविष्य नागरिक उत्पादन करे। IIT खड़गपुर व्यतीत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वैषयिक शिक्षापाई ऑल इंडिया काउंसिल मौलान अबुल कलाम आजाद मध्य भारतीय संपर्क परिषद साहित्य एकेडमी ललित एकेडमी और संगीत नाटक एकेडमी गठन दायित्व रे थिले। 1992 मसीह रे मौलान आजाद को भारत रत्न भारत सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान करा जायतिला। एहारी भितर भारतीय शिक्षा व्यवस्था रे अनेक परिवर्तन आसी अनेक समस्या मध्य दिनक दिन उपजुवा जमापड़ शिक्षा को नहीं सरकार अनेक योजना तथा आईन प्रणयन करिछन्ते, किंतु एबे भी अनेक आदिवासी मूलक रही जेउठी कि शिक्षार छाप मध्य देखिबा को मिलिनि। गोटे राज्य में शिक्षित संख्या अधिक रही बेले अनेक राज्य में शिक्षार अनेक पिला वंचित होती। केवल एतिक नुहे अनेक बेसरकारी शिक्षानुष्ठान गढ़ी उठिता बेले सरकारी शिक्षानुष्ठान प्रति पिलाने कि अभिभावक मन लगुना, तेज यारी भितर जदि राज्य बा केन्द्र सरकार यह गवेषणा कर किसी निष्पत्ति नहीं पारते तेज शिक्षार कहीं वंचित हुए साक्षर संख्या वृद्धि हाँ। ब्यूरो रिपोर्ट, आफ्ताब न्यूज़।